हमारे संवाददाता मयूर सैनी फोनलाइन पर हरिद्वार से जुड़ गए हैं। मयूर, जो ये मामला है, इस मामले में वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आपको बता दूं कि पूरा जो प्रकरण है ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को जो चुनाव अभी हाल में ही समाप्त हुआ है तो उसको लेकर ये जो विवाद है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो जो चुनाव अध्यक्ष पद पर जो हार गए थे उनके कल जो कार्यकर्ता है वो स्वामी यतीशन के आश्रम में जो घुसे थे और उसके बावजूद जो है जो विधायक के साथ जो है धक्का मुक्की थी। हालांकि दोनों जो है कार्यकर्ता आपस में, खुद विधायक भी यहाँ पर जो आपस में भिड़ गए थे, उसके बावजूद जो है उसमें दो बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे थे कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में जो बजरंग दल के आज पूरे कार्यकर्ता जो थे पूरे जोर शोर के साथ जो है बड़े काफिले के साथ जो स्वामी यतीशन का जो विधायक का जो आवास है उसके घर के सामने वो वहां पर रैली निकाली और साफ तौर से उन्होंने जो है आगे रानीपुर मोड़ पर जो है चंद्रकांत चौक पर जो है स्वामी यतीशन का पुतला फूका होगा। साफ तौर से यही कहना है कि जब तक ये मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे, जब तक जो है चाहे हमें विधानसभा घिराव करना चाहे पड़े चाहे प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूकना पड़े, ये जो है कार्रवाई यहाँ पर बनती रहेगी। हालांकि उनका साफ तौर से कहना है कि स्वामी यतीशन का ये भी कहना है कि मेरे पास जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और वो ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं मुझे फंसाने के इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र यहाँ पर जरूर लग रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मयूर इस तमाम जानकारी के लिए तुम्हारे।